नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद अब बुधवार को नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और आचार संहिता लगते ही प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। शहर में लंबे समय से विद्युत पोल सरकारी संपत्ति पर टंगाए गए बैनरों को निकालने की कार्यवाही की गई है और बड़वाहा नगर में द्वितीय चरण में 13 जुलाई को मतदान होगा। आचार संहिता का पालन करते हुए नगर पालिका CMO डॉक्टर केशव सिंह सगर के निर्देशन पर नगरपालिका टीम ने शहर में लगे राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पोस्टर, बैनर व दीवार पर बनाए गए प्रचार सामग्री मिटाना शुरू कर दिए हैं। नगरपालिका की टीम ने शहर के MG रोड, इंदौर रोड, खंडवा रोड, महेश्वर रोड सहित अन्य स्थानों पर दीवार और बिजली पोल पर लगे होर्डिंग बैनर को हटाया। जगह जगह दीवारों पर प्रचार प्रसार के लिए लगी वॉल पेंटिंगों पर भी चूना लगाकर मिटाने का कार्य किया गया है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से शहर में चल रही विशेष राजनीतिक गतिविधियों की वजह से सड़कों के किनारे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और राजनीतिक दलों के झंडों की बाढ़ सी आ गई है। तमाम राजनीतिक दलों ने दीवारों को भी रंग दिया है। आज चुनाव की घोषणा कर दी गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा और उसके तहत शुरुआत में संपत्ति ग्रुप अधिनियम के तहत जो कार्रवाई होनी है, नगर पालिका ने अपने अमले के साथ उसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और दो दल बना दिए गए हैं जो शहर में विभिन्न स्थानों पर ऐसे पोस्टर, बैनर और वॉल पेंटिंग जो संपत्ति ग्रुप अधिनियम के तहत आते हैं उनको निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।